हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का डेमो दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो आप देख लेना है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, वो मैं कंपेरिजन ऑपरेटर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कंपेरिजन ऑपरेटर का तो फिर आप ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन ऑन द गिवन एक्सप्रेशन। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा हो उस पर आपको लॉजिक लगाना हो तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। तो पहले देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड बाय जावा। फर्स्ट वन लॉजिकल एंड, सेकंड वन लॉजिकल और, थर्ड वन लॉजिकल नॉट। तो जो जावा है वो हमें इनबिल्ट थ्री लॉजिकल ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। उसके सिंबल मैंने इधर लगा रखे हैं, तो हम जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस सिंबल का हमें यूज करना, ठीक है? तो अब हम देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ ऑल द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। पहले तो एक बात पक्की है, अगर आपके पास एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है, ठीक है, और आपको उसे लॉजिक लगाना, मीन्स उसको आपको चेक करवाना है, तब आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। और जब भी आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करोगे एक से ज्यादा एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, तब अगर सभी एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करते होगे तो ही ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू एंड सी इक्वल टू फाइव। तो मैंने इधर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए इक्वल इक्वल टू बी एंड सी ग्रेटर देन ए। तो उसे अब हम समझते हैं। तो पहले तो मैंने क्या किया है, पहले एक प्रिंट एलन लगाया है, उसमें क्या है, मैंने कंडीशन चेक करवाई है, मीन्स एक्सप्रेशन मैंने लगवा दिया। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो चेक होगा, ठीक है? तो उसमें क्या है, पहले a इक्वल इक्वल टू b, तो a इक्वल टू ऑपरेटर है, मींस कंपैरिजन ऑपरेटर। जब भी हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड राइट हैंड ऑपरेंड अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है? तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है a, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है b। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू क्या है 2, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड और राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? उसके बाद आता है लॉजिकल एंड। तो पहले लॉजिकल एंड है वो इवेल्युएट नहीं होगा, डायरेक्टली ये जो इधर मैंने सेकंड एक्सप्रेशन लगाया है वो कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा। सी ग्रेटर देन ए, जब भी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 5 एंड राइट हैंड ऑपरेंड ए की वैल्यू क्या है 2, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड सी है मींस उसकी वैल्यू 5 एंड राइट हैंड ऑपरेंड ए है उसकी वैल्यू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है? अब समझते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का फंडा। जब भी हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तब अगर सारे एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है तब भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे इस केस में देखो, पहला एक्सप्रेशन है उसने ट्रू रिटर्न किया, दूसरा एक्सप्रेशन है उसने भी ट्रू रिटर्न किया, यानी कि सारे एक्सप्रेशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? तो पहला आउटपुट आएगा उसमें आपको प्रिंट होके आएगा ट्रू। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए इक्वल इक्वल टू बी। अब ये तो ऊपर की तरह ही है इसलिए ये तो ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है? सेकंड वन ए ग्रेटर देन सी, इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, इधर देखो ग्रेटर देन सी, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 5, ठीक है? तो ये हो गई सी की वैल्यू 5। तो इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है ए उसकी वैल्यू 2 है, राइट हैंड ऑपरेंड है सी उसकी वैल्यू 5 है और ग्रेटर देन ऑपरेटर का हमने यूज किया है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू जो है राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड ने ग्रेटर देन ऑपरेटर ने रिटर्न कर दिया फॉल्स, मींस इसने जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसने फॉल्स रिटर्न किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसने ट्रू रिटर्न किया।
जब भी हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तब अगर सारे एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न होते हैं तब भी लॉजिकल एंड ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे इस केस में दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें से एक ने ट्रू रिटर्न किया और एक ने फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए लॉजिकल एंड भी फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि सारे एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। यानी कि पहले आपको आउटपुट में प्रिंट होके आएगा ट्रू और उसके बाद प्रिंट होके आएगा फॉल्स, ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स। तो इसकी आप नोटबुक में ट्राई करिएगा। अब देखते हैं सेकंड वन, लॉजिकल और ऑपरेटर्स। लॉजिकल और ऑपरेटर्स रिटर्न फॉल्स इफ ऑल द एक्सप्रेशन इज फॉल्स अदरवाइज इट रिटर्न ट्रू। तो जो लॉजिकल और ऑपरेटर है ना वो बिल्कुल ऑपोज में वर्क करता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर से। तो लॉजिकल और का फंडा किस तरह से, जब भी सारे एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो गए तो लॉजिकल और है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू एंड सी इक्वल टू फाइव, तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर की है और उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज की। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो इधर मैंने दो एक्सप्रेशन लगाए हुए हैं, पहला कौन सा ए है, पहले एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ए एग्जीक्यूट होगा, बाद में लॉजिकल और ऑपरेटर के जो असाइन मैंने इधर की है वो एग्जीक्यूट इवेल्यूएट होगी। तो पहले इसे देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी, जब भी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू यानी कि ए राइट हैंड ऑपेरेंड से ज्यादा होगी यानी कि बी, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है टू, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू भी है टू, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपेरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा, ए फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये सेकंड इवेल्युएट होगा, ए ग्रेटर देन सी, अब ए की वैल्यू क्या है टू, सी की वैल्यू क्या है फाइव, ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की टू, सी की वैल्यू फाइव राइट हैंड ऑपेरेंड की फाइव, यहां भी लेफ्ट हैंड ऑपेरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपेरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन ऑपरेटर जो है वो फिर से फॉल्स रिटर्न करेगा। जब भी हम, अब क्या होगा, अब लॉजिकल और ऑपरेटर इवेल्युएट होगा, ठीक है, यानी कि जब भी हम लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करते हैं और यूज किए गए सारे के सारे एक्सप्रेशन अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो लॉजिकल और भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारा पहले एक्सप्रेशन ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, दूसरे एक्सप्रेशन ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, यानी कि सारे एक्सप्रेशन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए लॉजिकल और भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आउटपुट में आएगा आपको प्रिंट होके फॉल्स। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए इक्वल इक्वल टू बी। तो इधर इक्वल टू ऑपरेटर का मैंने यूज किया, यानी कि अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ए की वैल्यू क्या है टू है, बी की वैल्यू क्या है टू है, यानी कि दोनों ऑपरेंड लेफ्ट हैंड ऑपरेंड ए एंड राइट हैंड ऑपरेंड बी दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है उसने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगा, ए ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू क्या है टू, सी की वैल्यू क्या है फाइव, और ग्रेटर देन ऑपरेटर का हमने यूज किया है। अब इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है ए, उसकी वैल्यू है टू, राइट हैंड ऑपरेंड है सी, उसकी वैल्यू है फाइव, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस सेकंड एक्सप्रेशन ने फॉल्स रिटर्न किया। जब भी हम लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तब अगर सारे के सारे एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है तो वो लॉजिकल और भी फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमने इधर कितने एक्सप्रेशन यूज किए हैं, टू, तो उसमें से पहला एक्सप्रेशन है वो ट्रू रिटर्न करता है और सेकंड एक्सप्रेशन है वो फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि सारे के सारे एक्सप्रेशन ने फॉल्स रिटर्न नहीं किया है, इसलिए लॉजिकल और है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो आपको फॉल्स प्रिंट करके देगा और ये जो सेकंड प्रिंट एलन है वो आपको ट्रू प्रिंट करके देगा, फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। तो ये हुआ लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। अब देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स और इट रिटर्न फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपका एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू एंड सी इक्वल टू फाइव। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट में मैंने पहले लॉजिकल नॉट की साइन की है और उसके बाद ब्रैकेट में है ए ग्रेटर देन बी,
इधर मैंने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है और लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है ए एंड राइट हैंड ऑपरेंड है बी। अब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड ए की वैल्यू क्या है? 2 है। राइट हैंड ऑपरेंड बी की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू भी 2 है। जब भी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से अगर ज्यादा हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या है? 2 है। राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या है? 2 है। यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये जो ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसने फॉल्स रिटर्न किया, इस कंडीशन मैंने जो यूज किया, एक्सप्रेशन जो मैंने यूज किया है ए ग्रेटर देन बी, उसने फॉल्स रिटर्न किया और उसके आगे है लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट। तो जो इस ग्रेटर देन ऑपरेटर ने जो इस एक्सप्रेशन ने जो रिटर्न किया है फॉल्स, इसे वो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट में आएगा ट्रू। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। नॉट का लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की साइन है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ए इक्वल इक्वल टू बी। जब भी हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं तब अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है ए एंड राइट हैंड ऑपरेंड है बी। ए की वैल्यू है 2 एंड बी की वैल्यू भी है 2, यानी कि दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या है? इक्वल है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो इक्वल टू ऑपरेटर ने रिटर्न कर दिया ट्रू, लेकिन इसके आगे हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया, इसलिए इस ट्रू को वो लॉजिकल नॉट है वो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको आउटपुट में मिलेगा फॉल्स। तो इसकी भी आप ट्राई करना। तो पहले आपको ट्रू मिलेगा, उसके बाद आपको फॉल्स मिलेगा। ये जो मटेरियल है बहुत ही यूजफुल है, आप एग्जाम में इसे नोट डाउन करके मार्क्स कवर कर सकते हो। और ये जो लॉजिकल एंड और नॉट तीनों ऑपरेटर है वो प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होते हैं, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज इसका होना जरूरी है। डीप में हम जाएंगे धीरे धीरे, जैसे ही मैं वीडियो आगे बनाता जाऊंगा तो उसका यूज हमें और भी मालूम पड़ेगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो, और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।